हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई टाइम डोरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्ज एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या इंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज़ अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो को को संभाला संभाला था था ने एंड बैकग्राउंड स्कोर ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मडक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस एंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहां और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 14 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई थी आप लोगों के करीब घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट ग्राउंड अबाउट बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 50 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया तो सबसे सब पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सीनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई टाइम ड्यूरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा हैं उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फार्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2020 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या इंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज़ अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं तो मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो को को संभाला संभाला था था ने एंड बैकग्राउंड स्कोर ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मडक फिल्म्स एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 14 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई थी आप लोगों के करीब सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 50 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया तो सबसे सब पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई टाइम डोरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या एंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज़ अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के, के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो सॉन्ग्स को संभाला था प्रीतम ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मडक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस एंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 14 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीब घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट ग्राउंड अबाउट बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट पचास करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसक किया गया तो सबसे सब पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल को नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई टाइम डोरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फार्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2020 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या एंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज़ अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो सॉन्ग्स को संभाला था प्रीतम ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मडक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 14 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीब सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट ग्राउंड बाढ़ बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट पचास करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया तो सबसे सब पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल को नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई टाइम डोरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा हैं उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फार्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2020 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या एंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं, हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं, हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे तो तो में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो को संभाला था चबरा ने को था अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मडक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 14 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई थी आप लोगों के करीब सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 50 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 52 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज ही मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया तो सबसे सब पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल को नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई टाइम डोरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट्स इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फ़िल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मींस एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या एंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज़ होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज़ अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो को संभाला था चबरा ने को संभाला था अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मडक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज़ देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी चौदह फरवरी दो को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीब सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम डोरेशन दो घंटे और इक्कीस बनाई गई जो कि अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 50 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के, के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल को नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई टाइम ड्यूरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या एंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों लो को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो सॉन्ग्स को संभाला था प्रीतम ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मड्डक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 14 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई थी आप लोगों के करीब घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट ग्राउंड अबाउट बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट पचास करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसक किया गया तो सबसे सब पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 पॉइंट आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो एक इस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सीनेमेटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई टाइम ड्योरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या एंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंड्री एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो सॉन्ग्स को संभाला था प्रीतम ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मडक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस एंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज़ देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी चौदह फरवरी दो को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीब सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट की राउंड अबाउट बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 50 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल को नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो एक इस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सीनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई टाइम ड्यूरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या एंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज़ अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की, की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो सॉन्ग्स को संभाला था प्रीतम ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मडक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस एंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 14 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई थी आप लोगों के करीब घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट ग्राउंड बाढ़ बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट पचास करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया तो सबसे सब पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 पॉइंट आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए एंड ऑल को नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सीनेमेटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई टाइम डोरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक से से देखिएगा एंड एक लाइक कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या इंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज़ अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के, के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो सॉन्ग्स को संभाला था प्रीतम ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मडक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज़ देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 14 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीब घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम डोरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट के गाउंड अबाउट बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 50 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए एंड ऑल को नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई टाइम ड्यूरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से 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 रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड एक लाइक कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या इंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज़ अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के, के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो को को संभाला संभाला था था ने एंड बैकग्राउंड स्कोर ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मडक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस एंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 14 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई थी आप लोगों के करीब घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट ग्राउंड अबाउट बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट पचास करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया तो सबसे सब पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टारकास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई टाइम डोरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या इंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज़ अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो को संभाला था चबरा ने को था चबराने। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मडक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस एंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 14 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई थी आप लोगों के करीब घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट ग्राउंड अबाउट बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट पचास करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया तो सबसे सब पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो एक इस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टारकास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई टाइम डोरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्ज एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या इंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज़ अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो सॉन्ग्स को संभाला था प्रीतम ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मड्डक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पेन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 14 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीब घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 50 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया तो सबसे सब पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई टाइम ड्यूरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा हैं उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फार्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2020 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या इंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज़ अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें Osionfish. तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो सॉन्ग्स को संभाला था प्रीतम ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मड्डक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 14 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीब घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट गाउंड अबाउट बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 50 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया तो सबसे सब पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई टाइम डोरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फार्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2020 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या एंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज़ होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज़ अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो को संभाला था चबरा ने को था अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मडक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी चौदह फरवरी दो को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीब सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम डोरेशन दो घंटे और इक्कीस थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 50 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल को नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई टाइम डोरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फ़िल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मींस एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या एंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज़ अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो को को संभाला संभाला था था ने एंड बैकग्राउंड स्कोर ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मडक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी चौदह फरवरी दो को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीब घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम डोरेशन दो घंटे और इक्कीस बनाई गई जो के एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 50 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी Netflix प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल को नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई टाइम ड्यूरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगा रहे हैं उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या एंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज़ अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में इन सब चीजों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो को संभाला था चबरा ने को था अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मडक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 14 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीब घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट की अबाउट बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 50 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिस किया गया तो सबसे सब पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई टाइम डोरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या एंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें Osionfish. तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो सॉन्ग्स को संभाला था प्रीतम ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मड्डक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज़ देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी चौदह फरवरी दो को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीब सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट की रौनबाड़ बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 50 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल को नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई टाइम ड्यूरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या एंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो सॉन्ग्स को संभाला था प्रीतम ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की तो प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की तो प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मडक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस एंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 14 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीब घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट की अबाउट बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट पचास करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसक किया गया तो सबसे सब पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 पॉइंट आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल को नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो एक इस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सीनेमेटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई टाइम ड्यूरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या एंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो सॉन्ग्स को संभाला था प्रीतम ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मडक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस एंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज़ देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 14 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीब घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट की राउंड अबाउट बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 50 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के, के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए एंड ऑल को नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई टाइम ड्यूरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या एंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो सॉन्ग्स को संभाला था प्रीतम ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मडक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस एंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 14 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई थी आप लोगों के करीब घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट ग्राउंड अबाउट बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट पचास करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिस किया गया तो सबसे सब पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए एंड ऑल को नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टारकास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई टाइम ड्यूरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक से से देखिएगा एंड एक लाइक कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या इंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज़ अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी तो की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के, के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो सॉन्ग्स को संभाला था प्रीतम ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मडक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस एंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी चौदह फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई थी आप लोगों के करीब घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट ग्राउंड अबाउट बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट पचास करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया तो सबसे सब पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे गूगल यूजर की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यही अगर हम आई की बात करें तो 4.7 पॉइंट आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए एंड ऑल को नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई टाइम ड्यूरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक से से देखिएगा एंड एक लाइक कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या एंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज़ अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें Osionfish. तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो सॉन्ग्स को संभाला था प्रीतम ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मड्डक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पेन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 14 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई थी आप लोगों के करीब घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम डोरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट की राउंड अबार्ड बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 50 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टारकास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सीनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई टाइम डोरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्ज एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या इंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज़ अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो सॉन्ग्स को संभाला था प्रीतम ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मड्डक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पेन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 14 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीब घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट ग्राउंड अबाउट बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट पचास करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसक किया गया तो सबसे सब पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो एक इस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टारकास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला स्टोरी लाइन को किसने संभाला मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई टाइम डोरेशन कितनी थी बजट कितना रहा बॉक्स ऑफिस कितना था मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यह मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा हैं उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फार्मेशन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो हाँ सकता है तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2020 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म लव आजकल के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग मूवी में क्या इंजॉय करने वाले हैं तो साल 2020 में रिलीज होने वाली लव आजकल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड ड्रामा एंड रोमांस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो इम्तियाज़ अली इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो इम्तियाज अली ही इस मूवी के राइटर भी थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो दिनेश विजन एंड इम्तियाज अली इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो मूवी की कास्ट में आप लोगों को कार्तिक आर्यन सारा अली खान रणदीप हुडा आरुषि शर्मा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो अमित रॉय इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो आरती बजाज इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाली थी अब बात करते हैं मूवी मुझे के म्यूजिक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स की बात करेंगे कि मूवी के, के सॉन्ग्स को किसने संभाला तो को को संभाला संभाला था था ने एंड बैकग्राउंड स्कोर ईशान चबरा ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को मडक फिल्म एंड विंडो सीट फिल्म एंड रिलायंस एंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज देखने को मिलेगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैन इंडिया लिमिटेड ने अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 14 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई थी आप लोगों के करीब घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और इक्कीस मिनट ग्राउंड अबाउट बनाई गई जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन थी अगर हम बात करें मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 50 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने बावन करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज सी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया तो सबसे सब पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 53 परसेंट तक लाइक किया गया यहीं अगर हम आई की बात करें तो 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ये एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय